हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है 9020 ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी हार्ट्स तो 9020 ट्वेंटी हॉर ऑफ दी हार्ट जो फिल्म है उसको हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था तेलुगु तमिल में टप करके थिएटर में साथ ही में रिलीज़ किया हुआ था तो ये फिल्म का जो हिंदी वर्जन है तमिल तेलुगु वर्जन है कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी अलग अलग स्पीक के ऊपर डीप में चर्चा की जाएगी फिल्म का रिव्यू किया जाएगा साथ ही में फिल्म सीरीज़ के ऊपर भी थोड़ी बातचीत होने वाली है और फिल्म से जुड़े सभी जो इंटरेस्टिंग तथ्य है बातें वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो वीडियो शुरू करते हैं नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट्स नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो नाइनटी ट्वेंटी फिल्म सीरीज़ की पाँचवीं फिल्म है इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी नाइन्टी ट्वेंटी टू में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा अप्रिसिएसन मिला था सुपर नेचुरल हॉर फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद नाइन्टी ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फ़िल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी ट्वेंटी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में ली सरमन जोशी थे उसके बाद में 2018 में 1921 करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन खान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में 1920 हॉरर ऑफ़ द हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पे उनका डायरेक्शन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदोर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुणित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वजन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और हैं एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये जिंदगी जिसको ईसा गौर और फरहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स है वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए है जहाँ पे ये जिंदगी गाने को ईसा गोर और फरहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा ज़रूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल वोकल्स थे वो दिए हुए थे पलक मुच्छल ने फीमेल वजन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वज़न क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हज़ार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज कि, किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते हैं अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहेल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ तो फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इम्पोर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पे एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे है, अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डॉटर जो मेघना की सेकंड डॉटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में 1920 हॉरर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुई थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बीज दैनिश पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अभिका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पे एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित है तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेस थी तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेस है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हो ऐसा नजर आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरिटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि आ, जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते है इसक्रीन प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी कोसों दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग सी मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बरखा बेस का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नजर आते हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की डिसेंट नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकन्विंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दौर मेड के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में पांच करोड़ 43 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक एट्टी नाइन परसेंट का कलेक्शन किया उसके बाद में पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनडे के दिन एटी वन लाख का कलेक्शन किया फ़िल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन सेवेंटी सिक्स लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन 13 करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेग लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूज़िक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो अगर आपको फिलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटीन टवेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट जो फिल्म है उसको रीजनल प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म को आप ओटीटी और सेरिलेट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो 9020 हॉरर ऑफ दी आर्ट्स 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो 9020 फिल्म सीरीज़ की पांचवी फिल्म है इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 9020 2008 में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला था सुपर हॉरर फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद 9020 ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में, में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में 1920 हॉरर ऑफ ऑफ हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पे उनका डिरशन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वजन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स है वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल वोकल्स थे वो दिए हुए थे पलक मुच्छल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फ़िल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज़ के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ कि किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डॉटर जो मेघना की सेकंड डॉटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बीज दैनिश पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अविका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेस थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेस है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हुआ ऐसा नजर आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरिटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते है प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बरखा बेस्ट का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की एडिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो और दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म फिल्म ने ने किया जिसके चलते इस पहले वीकेंड में करोड़ 43 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनडे के दिन 81 लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन 76 लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ बहत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेक लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी हार्ट जो फिल्म है उसको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से नाइन्टी ट्वेंटी हॉर ऑफ दी हार्ट फिल्म को आप ओ टी टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट्स नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो नाइनटी ट्वेंटी फिल्म सीरीज़ की पाँचवीं है। इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी नाइन्टीन ट्वेंटी टू में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला था सुपर हॉरर फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद नाइन्टी ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी ट्वेंटी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पांस दिखाया था जिसमें लीड रोल में शर्मन जोशी थे उसके बाद में 2018 में नाइन्टीन वन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन खान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में नाइनटीन हॉरर ऑफ दार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पे उनका डायरेक्शन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ही महसूस होगा फिल्म के कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वर्जन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा गौर और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स है वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा गौर और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल वोकल्स थे वो दिए हुए थे पलक मुच्छल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फ़िल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज़ के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज कि किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते हैं अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डॉटर जो मेघना की सेकंड डॉटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन टवेंटी हॉरर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बेज दैनिक पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अविका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेस थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेस है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हुआ ऐसा नज़र आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरीटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते है प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बरखा बिज का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की डिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो मिनट के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म फिल्म ने ने किया जिसके चलते इस पहले वीकेंड में करोड़ 43 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनडे के दिन 81 लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन 76 लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ बहत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेक लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटीन टवेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है उसको रीजनल प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म को आप ओटीटी और सीरियल चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो 9020 हॉरर ऑफ दी आर्ट्स 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो 9020 फिल्म सीरीज़ की पांचवी फिल्म है इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 9020 2008 में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला था सुपर नेचुरल फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद नाइन्टी ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में १९२० हॉरर ऑफ दी हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पर उनका डिरेक्शन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वर्जन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा गौर और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स हैं वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा गौर और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल थे वो दिए पलक मुचल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगू उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में की कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको वो पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डॉटर जो मेघना की सेकंड डॉटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन टवेंटी हॉरर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थे वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बेज दैनिक पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अभिका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेज थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेज है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हो ऐसा नज़र आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरीटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते हैं स्क्रीन प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बरखा बेस का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फ़िल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग वो फिल्म की एडिशन नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बेस बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो मिनट के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में पांच करोड़ तैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक एट्टी नाइन परसेंट का कलेक्शन किया उसके बाद में पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनिडे के दिन एटी वन लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन सेवनटी सिक्स लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ सत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेग लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट से वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर नाइनटीन ट्वेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो आ, हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी हार्ट जो फिल्म है उसको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से नाइन्टी ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म को आप ओ टी टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट्स नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो नाइनटी ट्वेंटी फिल्म सीरीज़ की पाँचवीं है। इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी नाइन्टीन ट्वेंटी टू में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा अप्रिसिएसन मिला था सुपर नेचुरल हॉर फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद नाइन्टी ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी ट्वेंटी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में, में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में १९२० हॉरर ऑफ दी हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पर उनका डिरेक्शन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वर्जन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा, आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स है वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल वोकल्स थे वो दिए हुए थे पलक मुच्छल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फ़िल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज़ के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज कि किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको वो पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डोटर जो मेघना की सेकंड डोटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में 1920 हॉरर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बेज दैनिक पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अविका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेज थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेज है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हो ऐसा नज़र आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरीटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते हैं स्क्रीन प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नजर आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बर्खा बेस्ट का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की एडिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बेस बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में पाँच करोड़ तैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक एट्टी परसेंट का कलेक्शन उसके नाइन में पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनिडे के दिन एटी वन लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन सेवनटी सिक्स लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ सत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेक लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट से वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो आ, हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटीन टवेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है उसको रीजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म को आप ओटीटी और सीरियल चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो 9020 हॉरर ऑफ दी आर्ट्स 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो 9020 फिल्म सीरीज़ की फिल्म है इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 9020 2008 में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला था सुपर नेचुरल फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद 9020 ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में, में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में १९२० हॉरर ऑफ दी हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पर उनका डिरेक्शन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वर्जन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा, आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स हैं वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल थे थे वो दिए हुए पलक मुचल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगू उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डोटर जो मेघना की सेकंड डोटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थे वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बीज दैनिश पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अभिका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेज थी तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेज है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हुआ ऐसा नज़र आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरीटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते है प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग सी मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बर्खा बेस्ट का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की एडिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो मिनट के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में पांच करोड़ तैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक एट्टी नाइन परसेंट का कलेक्शन किया उसके बाद में पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनिजे के दिन एटी वन लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन सेवनटी सिक्स लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ सत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेक लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइट्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट से वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो आ, हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटीन टवेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है उसको रीजनल प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म को आप ओटीटी और सीरियल चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो 9020 हॉरर ऑफ द आर्ट्स 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो 9020 फिल्म सीरीज़ की फिल्म है इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 9020 2008 में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला था सुपर नेचुरल फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद 9020 ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में, में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में १९२० हॉरर ऑफ दी हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पर उनका डिरेक्शन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वजन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा, आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा गौर और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स है वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा गौर और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल वोकल्स थे वो दिए हुए थे पलक मुच्छल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भी ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते हैं अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कि कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहेल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टी ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको पसंद आए थे और उसी वजह से एक रिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीजन है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेगना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डोटर जो मेघना की सेकंड डोटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बीज दैनिश पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अविका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेस थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेस है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हो ऐसा नज़र आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरीटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते है प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग सी मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बर्खा बेस्ट का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की एडिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो मिनट के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में पांच करोड़ तैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक एट्टी नाइन परसेंट का कलेक्शन किया उसके बाद में पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनडे के दिन 81 लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन 76 लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ बहत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे uh, से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेक लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट से वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉर ऑफ़ दी हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटीन ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी हार्ट जो फिल्म है उसको रीजनल प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से नाइनटीन ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी हार्ट फिल्म को आप ओटीटी और से चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट्स नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो नाइनटी ट्वेंटी फिल्म सीरीज़ की पाँचवीं है। इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी नाइन्टी ट्वेंटी टू में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा अप्रिसिएसन मिला था सुपर नेचुरल हॉर फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद नाइन्टी ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी ट्वेंटी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में, में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में 1920 हॉरर ऑफ ऑफ हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पे उनका डिरशन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वर्जन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा, आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा गौर और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स हैं श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा गौर और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल थे वो दिए पलक मुचल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फ़िल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज़ के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज कि किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेब सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डॉटर जो मेघना की सेकंड डॉटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बीज दैनिश पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अविका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेज थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेज है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हुआ ऐसा नज़र आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरीटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते है प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नजर आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बरखा बेस का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नजर आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की डिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो मिनट के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो दस लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में पांच करोड़ तैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक एट्टी नाइन परसेंट का कलेक्शन किया उसके बाद में पिचासी लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया एनडे के दिन 81 लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन 76 लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ बहत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे uh, से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल 21 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीबन एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेक लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइड्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है उसको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म को आप ओ टी टी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट्स नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ दी आर्ट जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को तमिल तेलुगु में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म का जोनर है हॉरर ड्रामा जहाँ पे ये फिल्म हो नाइनटी ट्वेंटी फिल्म सीरीज़ की पाँचवीं है इससे पहले 2008 से सीरीज़ की शुरुआत हुई थी नाइन्टीन ट्वेंटी टू में फिल्म आई थी उस फिल्म को एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला था सुपर हॉरर फिल्म थी जिसमें रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में थे और उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी उसके बाद में करीबन चार साल बाद 9020 ट्वेंटी विल रिटर्न फिल्म बनाई गई उस फिल्म को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्यार मिला और उस फिल्म ने भी एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर गई जिसके चलते फिल्म सक्सेसफुल रही उसके बाद में दो में नाइन्टी लंडन फिल्म बनाई और उस फिल्म ने भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया था जिसमें लीड रोल में, में सरमन जोशी थे उसके बाद में दो में नाइन्टीन करके एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को जरीन ख़ान करण कुंद्रा को लेके बनाया गया था और एक डिसेंट काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया जिसके चलते ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक पॉजिटिव कलेक्शन के साथ रही और एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद में 1920 हॉरर ऑफ ऑफ हार्ट फिल्म के ऊपर काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने वो है विक्रम भट्ट की बेटी जहाँ पे उनका डिरशन में डेब्यू था इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसको सुहित्रा दास और महेश भट्ट ने लिखा हुआ है राज किशोर खवारे राकेश जुनेजा विक्रम भट्ट और श्वेतंबरी भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा भट्ट ने जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आपको आसानी से विक्रम भट्ट की डायरेक्शन की फीलिंग महसूस होगी कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐसा ही महसूस होगा फिल्म के लीड कास्ट में आपको राहुल देव अविका गौर बरखा बिस्त दानिश पनपंदौर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रकाश कुत्ती ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है कुलदीप मेहन के पास एडिटिंग करवाई गई थी एक 123 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को टोटल दो घंटे तीन मिनट का रन टाइम मिला हुआ था फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था इसके अलावा पुनित दीक्षित के द्वारा फिल्म का म्यूजिक दिया गया था म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे थे जी म्यूजिक कंपनी ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए थे टोटल इस फिल्म में अगर सभी वर्जन मिला ले तो नौ गाने जहाँ पे गानों को गा, आपको के सामने पेश करूँ तो वो कहानी करके गाना है उसको पपोन ने गाया हुआ है उसके दो वर्जन और है एक है अनप्लग्ड वर्जन जिसको पुनीत दीक्षित ने खुद गाया है जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है एक क्लब मिक्स वर्जन है जिसको प्रणव सिंघाल ने गाया हुआ था उसके बाद में दूसरा गाना था ये ज़िंदगी जिसको ईसा गौर और फ़रहान साबरी ने गाया हुआ था और इन सभी गानों के जो लिरिक्स हैं वो श्वेता बोथरा के द्वारा लिखे गए जहाँ पे ये ज़िंदगी गाने को ईसा गौर और फ़रहान साबरी के पास गवाया गया था इसके अलावा जरूरी है करके एक गाना था जिसको जावेद अली और पलक मुच्छल ने गाया हुआ था इसके जो फीमेल वोकल्स थे वो दिए हुए थे पलक मुच्छल ने फीमेल वर्जन को उन्होंने क्रिएट किया था एक रिप्राइज वर्जन क्रिएट किया गया था जिसको दीपाली साथे और पुनीत दीक्षित ने गाया हुआ था इसके अलावा लोरी गाने के भी दो वर्जन थे एक रेगुलर वर्जन था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था और दूसरा स्लो वर्जन था वो भी श्रेया घोषाल ने ही गाया हुआ था तो वैसे करीबन चार गाने थे लेकिन सभी वर्जन मिला ले तो टोटल नौ गाने होते जिसकी लेंथ तो उनचालीस मिनट तीन सेकंड है जी म्यूजिक कंपनी वालों ने इन सभी गानों को सात जून दो हजार तेईस को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था तो ये सभी गाने फिलहाल में वहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है हाउसफुल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम भट्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन लक्ष्मी गणपति फ़िल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पे दूसरे सभी जो वर्जन है तमिल तेलुगु उसको ई फॉर एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज़ के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को रिलीज कि किया करवाया गया था उनके द्वारा अब बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जहाँ पे अविका गौर ने लीड एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले किया हुआ है मेघना का राहुल देव शांतनु के रोल में दिखाई देंगे बरखा भीस ने मेघना की माँ का रोल प्ले किया हुआ है मेघना के लेट फादर के रोल में रणधीर राय देखने को मिलते हैं अर्जुन का जो किरदार था जो मेघना के बॉयफ्रेंड का रोल था वो दनिस पंडोर ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा आदित्य के रोल में केतकी कुलकर्णी देखने को मिलती है इसके अलावा नवीन सिंह अवतार गिल और अमित बहेल देखने को मिलेंगे जहाँ पे अवतार गिल ने सेफ सरवन का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म के लीड कास्ट है जो इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कहानी में इम्पोर्टेंट पात्र थे जहाँ पे इस फिल्म का एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी प्रमोशन उसका मेन रीज़न था नाइन्टीन ट्वेंटी फिल्म सीरीज वो फिल्में जिनको पसंद आई थी वो सभी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आतुर थी फिल्म के टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स जो आउट हुए थे उनको वो पसंद आए थे और उसी वजह से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बस क्रिएट हुआ था और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते फिल्म ने थिएटर पर एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी और एक डिसेंट वे में परफॉर्म भी की हुई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात कर लेते थे फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी वो मेघना के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो रोल प्ले करे अविका गौर जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर के पीछे की जो दे थे उसमें उसकी माँ का हाथ है उसके पीछे उसका रीज़न है तो मेघना डिसाइड करती है कि वो अपने माँ से रिवेंज लेगी और उसने अपने फादर को यानी कि मेघना के फादर को उसकी माँ ने चीट किया हुआ इस वजह से वो उसको पूरी तरह से रिवेंज लेगी और और उसके बचपन में जिस तरह से जो चीज़ें हुई उस वजह से उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो सभी चीज़ों का वो बदला लेना चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि मेघना उसकी माँ और उसके सेकंड डोटर जो मेघना की सेकंड डोटर थी अदिति उसको टारगेट करती है इस प्रोसेस में मेघना को अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है अब मेघना क्या अपने रिवेंज में सक्सेसफुल हो पाएगी अपने माँ के अगेंस्ट जो भी उसने एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें वो क्या सक्सेस हो पाती है या कुछ और ही ट्विस्ट और टेल्स देखने को मिलते हैं वही फिल्म की मेन कहानी बनाते हैं इस फिल्म में नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ द आर्ट फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से कुछ हॉरर इफेक्ट तैयार किए हुए थी वो देखने में अच्छी नज़र आती है सेंटिमेंट पोर्सन थे क्लाइमेक्स में वो भी रिसेंट थे परफॉर्मेंसेस के मामले में अविका गौर राहुल देव बरखा बीज दैनिश पंदौर रणधीर राय और केतिका कुलकर्णी ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फिल्म के उन्होंने काफ़ी बखूबी वे में बढ़िया काम किया हुआ है अविका गौर ने एक इम्पेक्टफुल मार्क छोड़ा हुआ है फिल्म में उनकी डिलइटफुल परफॉर्मेंस कुछ सीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट कर देती है राहुल देव दानिश पंदौर बरखा बेस ये सभी सपोर्टिंग रोल में थे उनका वाइटल रोल देखने को मिलता है और इस हॉरर फ्लिक में उन्होंने जिस तरह से काम किया हुआ है वो प्रेटी गुड तरीके से बेहतरीन वे में आउटपुट में देखने को मिलता है बर्खा बीज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एज के साथ एक परफेक्शन वाला किरदार प्ले किया हुआ है जहाँ पर एक लड़की जो एक औरत जो उसके साथ घटनाएँ घट रही है उससे वो चिंतित है उसके साथ आगे क्या होगा उससे वो सभी चीज़ें घटनाओं से डरी हुई है चिंतित थे तो उसमें उनका काम बढ़िया नज़र आता है जिस तरह से कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट को उनके साथ इनकाउंटर किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते उसमें काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेशन थे परफॉर्मेंसेस थे तो ओवरऑल बरखा बेस की जो परफॉर्मेंसेस है कुछ सेंस को काफ़ी बढ़िया अमेजिंग वे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं ओवरऑल बात करें तो वो इस फिल्म में कुछ हॉरर में एलिमेंट अच्छे तो थे उसी के अलावा कुछ ऐसे थे वो काफ़ी सीली नज़र आते हैं इसमें वैसे देखा जाए तो जनरल ऑडियंस के लिए उतना कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं है हॉरर ड्रामा है वो थोड़ा सीली मैनर में प्रेजेंट किया हो ऐसा नजर आएगा कुछ ऐसे सीन से वो काफी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इरिटेट करते हुए नजर आएंगे कुछ डिस्कस्टिंग शॉट्स लिए हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि जो अविका गौर है उनका किरदार है उसके माउथ से चूहा निकलता है वो सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही बेकार नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है कुछ ऐसे सीन्स है वो पूरी तरह से अनकन्विंसिंग नज़र आते हैं स्क्रीन प्ले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो अनबिलीवेबल थे रियलिटी के काफ़ी को दूर थे इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कोप थे कि इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स क्रिएट किए जा सके लेकिन डायरेक्टर फेल होते इस फिल्म के हर एक सीन को काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है विदाउट एनी रीज़न काफ़ी खींचा हुआ है सिर्फ सिर्फ फिल्म दो घंटे की उसके बावजूद सीन्स काफ़ी खींचे हुए नज़र आते जो इस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी वो सभी चीज़ें पुरानी फिल्मों में देखी ऐसा नज़र आता है इसके अलावा फिल्म को देखने में ऑडियंस का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है डायरेक्शन की वजह से बरखा बेस का किरदार फिल्म में काफ़ी फेक नज़र आता है जिस तरह से रणधीर राय का किरदार लिखा हुआ था उसको और बेहतर में लिखा जा सकता था अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी स्लो पेस नरेशन की वजह से फिल्म बोरिंग लगती है प्री क्लाइमेक्स और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आते एक हॉरर फिल्म के मुकाबले ओवरऑल डायरेक्टर कृष्णा भट्ट जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जहाँ पे कुछ हॉरर मोमेंट्स थे वो अच्छे थे उसमें वो ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रखती है लेकिन ज़्यादातर फिल्म की कहानी में वो फेल होती स्क्रीन प्ले और अच्छी स्टोरी होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो भी फिल्म में ठीक ठाक ही थे वहीं पे एडिटिंग है वो फिल्म की एडिशन नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है तो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकली फिल्म को बैलेंस करती हुई नज़र आती है ओवरऑल नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ द हार्ट जो फिल्म है वो थोड़ा अगर आप कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होंगे अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ हॉरर फिल्में देखना पसंद है उस वजह से देख रहे हो तो शायद देख सकते हो बाकी अनकनविंसिंग स्टोरी है स्लो पेस नरेसन है फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है बेड स्क्रीन प्ले है और अदरवाइज कुछ ऐसे हॉरर सीन्स से है जो अच्छे है और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज अच्छी है तो उनके वजह से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो नाइनटीन ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 2023 में जहां पे इस फिल्म को 23 जून 2023 को हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में रिलीज़ किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन पैंतीस वोट हासिल किए जिसमें 3.5 की रेटिंग मिली 10 में से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे दो घंटे दो मिनट के रन टाइम के साथ एक क्रिस्ट रन टाइम के साथ आई हुई फिल्म थी उसके पहले के पार्ट की वजह से इस फिल्म का एक डिसेंट काइंड ऑफ बज बना हुआ था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने लिमिटेड रिलीज के बावजूद एक करोड़ अड़तालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था हिंदी वर्जन में दूसरे दिन इस फिल्म ने पच्चीस जितना ग्रोथ दिखा एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे दिन सैटरडे के मुकाबले संडे के दिन तेरह का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे दो और 10 लाख का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 5 करोड़ 43 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन फिल्म ने एक 89 परसेंट का कलेक्शन 89 लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में 85 लाख का कलेक्शन ट्यूसडे के दिन किया वेडनेसडे के दिन 81 लाख का कलेक्शन किया फिल्म ने वहीं पे इस फिल्म ने थर्सडे के दिन करीबन 76 लाख का कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था तो इस तरह से पहले वीक में इस फिल्म ने आठ करोड़ तिहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में दूसरे सेट फ्राइडे के दिन फिल्म ने फोर्टी नाइन लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन सिक्सटी सेवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरा जो वीकेंड था वो करीबन एक करोड़ बहत्तर लाख का निकाला हुआ था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे uh, से थर्सडे तक एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने सेकंड वीक में टोटल तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और जो दो वीक का टोटल अमाउंट था वो करीबन बारह करोड़ तेईस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने तीसरे वीक में करीबन एक करोड़ अड़तीस लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इसके चलते इस फिल्म ने टोटल इक्कीस दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे एक रन दिखाया और इस फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन था वो करीबन तेरह करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया हुआ था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का करीबन एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट कर करने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट करने के बावजूद फिल्म ने करीब एक का दस करोड़ के बजट के सामने टोटल ग्रोस कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का निकला जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक इतने अमाउंट ऑफ कलेक्शन करके दे दिया जिसके चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर हिट का टेग लेने में कामयाब रही एवरेज हिट का और उसके बाद में ओ टी राइट्स के जो राइट्स भी किए थे म्यूजिक के राइट्स तो उसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कलेक्शन किया हुआ था अब हम बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा वालों ने ख़रीदे हुए तो अगर आपको फ़िलहाल में फिल्म ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नाइन्टीन ट्वेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नाइनटी ट्वेंटी हॉर ऑफ हार्ट जो फिल्म है उसको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन आप हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से नाइन्टी ट्वेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म को आप ओ टी टी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो बस दोस्तों नाइनटी ट्वेंटी हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है इस फिल्म के सीरीज़ के ऊपर चर्चा की हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस दिया हुआ है इसके अलावा फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग तथ्य शेयर किए हुए फिल्म से जुड़े जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट थे वो भी हमने बताए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू